उत्तराखंड में बारिश कहर ढा रही है। लगातार तेज बारिश और एक जगह बादल फटने से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। देवप्रयाग में प्राचीन ऐतिहासिक शांता नदी में दशरथांचल पर्वत के आसपास कहीं बादल फटा है, जिसमें बस अड्डे के पास स्थित देवप्रयाग नगर पालिका के कार्यालय वाली पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। इसमें आईटीआई व अन्य प्रतिष्ठान भी थे। जान माल के नुकसान का अभी सही आकलन नहीं है। आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के चलते तलाशी की जा रही है। कई स्थानों से भूस्खलनों की खबरें मिली हैं। जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच पिनौला में राजमार्ग का 20 मीटर से अधिक हिस्सा बारिश में बह गया है, जिसके चलते हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ वार्षिक तीर्थ यात्रा भी प्रभावित हुई है। मुनस्यारी और धारचुला से बचाव टीमों को रवाना किया गया है। जिलाधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में हुए नुकसान का अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। आजकल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। कोरोना काल में इस प्रकार अप्रत्याशित बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। क्या प्रकृति कुछ संकेत तो नहीं दे रही है, जिसे हमें समझना होगा। हिमसत्ता की रिपोर्ट।